आप सुना कि तड़प रही है रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए? नहीं ऐसा, हाँ ऐसा है। मैं हूं सिद्धार्थ कनान, एक ही सिटके जरा हटके, और मेरे सामने है दो लड़कियां जो दिखती क्या है, ये आप बजाओ ताली, जो डांस क्या करती है क्या बात है, जो जो रोती कैसी है क्या बात है, और जो मारती कैसी है, मजा गया। और आप प्रॉमिस खाओ, राधिका जी, सानिया जी, इसलिए जी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि आप मुझे ना कंटाप मार दें, इसलिए। नहीं, नहीं, नहीं। जब वो गाना था यार, अब क्या करें, ओल्ड सोल। माने तुम ओल्ड सोल हो वाकई में, तुम भी ओल्ड सोल हो क्या? अरे झूठी नहीं, सच में, तब भी आई थिंक दैट्स व्हाई वी बोथ लाइक कनेक्टेड ऑन शूट ऑन ओल्ड सोल्स। माने तुमने बोला तुम ओल्ड सोल हो, तुमने बोला तुम सो, वाह ऐसा हुआ बॉन्डिंग। हां जी, पहले जब पहली बार मिली तो मुझे नहीं लगा था कि मैं राधिका को कभी भी ऐसे कभी हम फ्रेंड्स बन पाएंगे। थैंक्स। बट माने इतनी डरावनी थी ये? नहीं डरावनी नहीं थी, मैं बहुत अलग हूँ, और ये मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, ये काफी एक्सट्रोवर्ट है, तो मेरे को लगा कि अभी मैं या तो ये मैं इसको बोर करने वाली हूँ या तो ये मुझे इरिटेट कर रहा है। तो ऐसे हमारी स्टार्टिंग हुआ, पर जैसे ही हमारा प्रेप स्टार्ट हुआ, हमने वर्कशॉप्स करना स्टार्ट करा फिल्म के लिए, तब मैंने रियलाइज किया कि ये तो, अरे ये भी ओल्ड सोल है, मैं भी ओल्ड सोल, हम दो बूढ़े बूढ़े लोग बहुत मजे करने वाले। माने वो बेहतरीन देव आनंद वाले गाने, अरे राजकुमार जैनी वाले गाने, वही वाले गजलें। या देखो मैं 17 साल का, यू नो, ऑफ कोर्स तो जब तुम बुजुर्ग मेरे सामने आते हो, मैं सिर्फ आशीर्वाद लूं आप सबका, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, प्लीज प्लीज। आप दोनों के माता जी बुलाओ चलेगा? हां जी बिल्कुल, क्यों, माता जी थोड़ी है। हां माता जी नहीं है वैसे तो, लाइक मो मो, नो नॉट नॉट इवन मो, देन व्हाट इज इट, देन क्या, राधिका एंड सानिया, हाय रब्बा। बट एक चीज बोलूं, आई कांट बिलीव कि तुम इंट्रोवर्ट हो, कमबैक झूठी, पूछो क्यों। माने ये यूरोप जाती है, वो फातिमा के साथ ऐसे डांस करती है, वैसे डांस करती है, फिर ऐसे करती है, मैं स्टेप कॉपी करने की कोशिश करता हूं, मेरा पैर टूट जाता है, मेरे टांग टूट जाते हैं, और ये ओल्ड सोल वाला कहाँ है वो सिम्टम यार, और इंट्रोवर्टिश वाला। मुझे लगता है ये तो मेरा काम है, एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे काफी अलग बनाती है, कैमरा एक ऐसी चीज है जिसके सामने मैं कुछ और हो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज सान्या एज अ पर्सन इज वेरी बोरिंग, वेरी नॉट एट ऑल, मतलब फ्रॉड वाली बातें ना, ये झूठी बातें हैं, ये अंदर से ना वैसी है, पहली बात इसका कोर वैसा है, ये ऊपर से दिखावे नहीं होते कि अरे मैं तो इंट्रोवर्ट। पर जब पार्टी होती है, वो डीजे प्लेज, एक लड़की जो रॉक करती है फ्लोर पे इज सान्या, सान्या मल्होत्रा। और तुम जैसी हो वैसी, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, कैसी हो? मैं मस्त हूँ यार। अरे बाबा वो तो दिख के चल रहा है यार, तुम बहुत मस्त हो यार, सुपर्ब यार, टू कूल यार, जब मैं आया, अरे ये तुम्हारी भी यार, माने क्या तुम ओल्ड सोल हो, इसलिए तुम्हारे साथ मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट हो गया वाला, ये तो बड़ी वाला हो गया। पर तुम्हारे, तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगी बीच में देव आनंद का गाना गाओ? गा सकते, हम दोनों ही गा सकते, ओके हो जाए। लाइट्स कैमरा एक्शन डेडिकेटेड टू द लेजेंडरी देव आनंद साहब। गाइड कौन सा गाएगा? मैं हूँ, हाँ मैं बताती हूँ कौन सा गाता है देवानंद का, हो 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 हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। हम कितना गंदा गा रहे हैं, I'm so sorry, I'm so sorry। नहीं अच्छा गा रही थी दिल से, I mean it from bottom। In fact आपको बात बताऊँ, एक बहुत ही बढ़िया trivia है, आपने बलमा गाना सुना है हमारी फिल्म का? Of course, पागल हो गए लोग सब लोग। बलमा में हमने शूट कैसे किया था, हमने माइक लगा रखा था और इन ईयर्स लगा रखे थे, और हम दोनों ने वो गाना गाया है, तो अगर आप ध्यान से सुने और अब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हम दोनों की भी आवाजें हैं। कैसी आवाज है, मतलब क्या क्या गा रहे हैं, गा रहे हैं, दिखाओ दिखाओ, अरे सुनो सुनिए सुनिए, क्या बात है, माने बट वो सर चाहते थे कि थोड़ा रियल एलिमेंट आए उस गाने को, ऐसा ना आए, क्योंकि वो सर अपने परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर हुए, जैसे वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं इन ईयर्स और माइक लगा के, तो सर ने बोला कि हम ऐसा चीज फिल्म में भी करते हैं जिसमें मेरे दोनों कैरेक्टर्स ये मेहंदी की रात को दोनों गाने गा रहे हैं। परंतु किंतु एक चीज पूछ रहा है मुझे, जब आप लोग इतना फाइव शेड्स डार्कर हो, वो मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज कि आप दोनों ने जेन्युइनली मेथड एक्टिंग किया, हम लोग नहाएंगे नहीं, 3 महीना नहाया नहीं, एंड बिकेम 4 शेड्स डार्कर, या फिर डिड यू एक्चुअली गेट इनटू द मड एंड डू ऑल दैट, और 3
वो मेकअप का कमाल था, सच्चाई बोलो। देखिए हमने स्टार्ट किया टैन होने से, तो हम धूप में ऐसे बैठे रहते थे, लेकिन उसका कुछ असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ बट मैं वैसी की वैसी रही। और मैंने बहुत मेहनत की, मैं पूरे मतलब 2-3 घंटे ऐसे सिर्फ सन के सामने बैठती थी, फिर शाम को भी निकल मतलब दोपहर को भी निकलती थी, तब भी मैं काली नहीं हुई। तब हाथ जोड़ के सर ने बोला कि इसको मेकअप लगाओ, तब जाके हमें 4-5 शेड्स डाकर। अरे मेरा रंग मांग लेती यार, ऐसे दे देता फ्री में यार, तो 10 रुपए पर हाथ के लिए मैं आपको दे देता ऐसे यार। You should just call me. I am sorry. To get 4 shades darker, call me up. 10 रुपए में 4 shade darker. Next time. Please यार, don't just call me up यार. पर एक चीज मैं बोलूं, आप लोग जब एक दूसरे को मारती है ना, बड़ा कन्विंसिंग लगता है मुझे। लगता है माने वाकई में इन्होंने पटाक पटाक मारा हुआ। कितने घाव आए आपको बताइए? घाव नहीं आए, पर हमने वाकई में एक दूसरे को मारा और मजा आया मारते हुए। मजा भी आया और जरूरी भी था मारना। फर्स्ट फाइट में मैंने इतना नहीं मारा क्योंकि मुझे लगा कि एक रूल दिए गए थे कि सिर्फ चाटे पड़ जाएंगे, और चाटे भी ऐसे थे कि एक मारा तो रिएक्शन मिले बड़ी जोर के, तो मुझे लगा वैसे हम वही गेम खेलने वाले हैं, पर राधिका ने वो गेम वहां जाके बदल दी। और क्या किया इन्होंने, लाते मारी बड़ी जोर जोर से, पर वो उसकी भी गलती नहीं थी क्योंकि इतना गुस्सा था और इतना हम कैरेक्टर में थे, जो पढ़नी भी थी मुझे लाते। तुमने जान मुझके तो नहीं मारा इनको? जी अब मैं क्या बताऊं, ये देखो इसकी शक्ल में देखो, गौर से देखो, गौर से देखिए इसकी शक्ल, शक्ल इसने जान मुड़ के मारा हमारी प्यारी सी। बदला लिया गया दूसरी फाइट में। पहली फाइट में ठीक है मैंने मारा वारा क्योंकि मैं कैरेक्टर में थी, सेकंड फाइट में मुझे लगा बेचारी भोली भाली सानिया क्या ही कर लेगी, क्या ही हो जाएगा, तो बस उसको आना था और मुझे पलट के एक थप्पड़ से स्टार्ट होनी थी फाइट, पहला मूव। मैंने बोला क्या करूं, मैं डरूं भी तो किससे डरूं। पर मैंने से स्टार्ट में पूछा एकदम सेकंड फाइट स्टार्ट होने से पहले कि तू कितना मारने वाली तो मुझे बता, तो उसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट बोला कि मैं चाटे तो जरूर मारूंगी। माने ऐसे करके ना हाथ वाथ में लगा। सुनिए इसका बदला क्या लिया गया, वो आई उसने मुझे पलटा और उसने खिंचा के मुझे ऐसा चाटा मारा कि पूरा सेट साइलेंट हो गया, मेरे तोते उड़ गए, मुझे समझ नहीं आया कि मैं आगे कोरियोग्राफी करूं क्या करूं। मुंह से तोते निकल रहे थे, मतलब निकल रहे थे, मतलब चिड़िया चिड़िया जो चिड़िया ऊपर नहीं, मैंने जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून्स में हुआ करता था ऐसे, वाह वाह वाह, एग्जैक्टली हुआ मेरे साथ। तो बबदला लिया गया उसके बाद, मतलब मुझे 3-4 सेकंड लगे वापस जोन में आने में, मुझे समझ नहीं आया मैं रो हूं या मैं फाइट करने रो मत, मेरे दोस्त हो तुम यार रो मत, एक दूसरे का भी सॉरी बोल दो बाबा प्लीज। पर हम फाइट के बाद बोल ही देते मतलब जैसे कैसे बोलते थे, एनएक्ट द सीन ऑफ सॉरी, नहीं यार ठीक है तू ठीक है लगी नहीं, आई एम सॉरी, हग वग करके भी बैठे रहते थे हम। कैसे हग करते थे आप लोग, दिखाइए ऐसे यार, भाई ठीक है तू, भाई तू ठीक है, मैं भी ठीक हूं, चल ठीक है। ये भरत मिला ये बंधन, तो क्या बात है, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं यार, क्योंकि आपके पास हैंग किया क्या, टिश्यू पेपर दे दो, टिश्यू दे दो बेटा बेटा, वो टिश्यू पेपर नहीं बॉक्स ऐसे इफेक्ट के लिए रखा हुआ है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कों को मारा है कि नहीं, दिल से बोलो। स्कूल में तो बहुत, मैंने भी बहुत मारा है, बहुत बहुत बहुत। इतना प्राइड देखो उनकी आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में देखो, फिल्म चाहे जो भी हो, हम लोग ने लड़कों को मारा है, व्हाई दैट फीलिंग, मतलब है मारा है तो मारा है, मतलब मैंने तो बेल्ट साइड से मारा है। हाँ, मतलब स्कूल मैंने भी मतलब काफी मारा है क्योंकि हम दोनों दिल्ली से हैं। हाँ। और दिल्ली में हो ही जाता है, मतलब खून थोड़ा गर्म होता है बचपन से वहाँ पे हैं, और लोग भी बड़े इरिटेटिंग होते हैं, कुछ कुछ लड़के तो काफी मेरे स्कूल में बड़े इरिटेटिंग थे। हाँ। तो मतलब पीछे पड़ जाते थे, दे यूज्ड टू से यार प्लीज गिव मी नंबर्स, आई वांट्स टू बी द फ्रेंड्स, आई वांट्स टू पार्टी इन द नाइट, फ्रेंडशिप, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप्स, आल्सो मेरी बहन को कोई बोल देता था तो मैं जाके उसे मारती, मेरे साथ भी यही होता था, अभी कोई किसी को छेड़ रहा है कुछ कर रहा है तो मैं जाके उसको मार देती। क्या बात है, पर एक चीज मुझे बोलो, माने ये कैसा वो बेल्ट निकालती थी, जैसे होता था ना गब्बर सिंह वाला ठाटा ठाटा करके, 2018 की गब्बर सिंह, आप तो थोड़ी बेटर थी कि आप भी बेल्ट। नहीं मैं बेल्ट से मारा है, काफी चीजों से मारा है, चप्पल वप्पल भी उठाई है कभी, या नोचा वोचा भी है। आई लाइक दैट दे लोग बोलते हैं यार बेल्ट क्या, हम लोग ने चप्पल से मैं तो कराची चाकू से मारा हूं, अरे आई लव दिस, मैंने इतना कूली बात करते हैं ऐसे रोज करते हैं यार, दिस इज नथिंग यार, आई लव द कॉन्फिडेंस इन सटली, ये लोग बोल रही है आरजे ज्यादा बोलो मत, बेल्ट बेल्ट शुरू हो जाएगा राइट। अब आप खुद ही बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। बट एक चीज बताओ, आप सुना कि तड़प रही है रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए? नहीं ऐसा, हाँ ऐसा है, मतलब आई रियली एडमायर हिम और मेरे को लगता है कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, कभी मौका मिला तो मैं जरूर काम करना चाहूंगी, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। 3 नाम बोल दो मेरे अलावा। राजकुमार राव। हाँ। और मनोज वाजपेयी जी के साथ अगर मुझे कभी, शक्ल देखो मनोज वाजपेयी जी, देखो दिल से बोल रहा हूँ, am I a better looking version or he is a better looking version? चलो let's not go there.
इसको सटली कहते हैं चॉप मारना. थैंक यू देविया, चॉप मार दिया फिर. और कुछ नहीं, बड़े सारे एक्टर्स हैं, कितने बेहतरीन एक्टर्स हैं. मैं आलिया भट्ट के साथ भी काम करना चाहती हूँ. पर एक चीज मैं बोलूं, मैं बहुत वट रखता हूँ इंडस्ट्री में. मैं 50 फोन कॉल करता हूँ. अच्छा। बीच में उनका एक व्हाट्सएप आता है, बाढ़. तो आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प यू, पर मेरे साथ कुछ नहीं होता ये सब. बट यू ऑल्सो, मैंने देखा तुम दोनों, माने तुम लोगों का डांसिंग स्किल जबरदस्त है. तो मैंने सुना है कि आप लोग जब शॉट खत्म हो जाता था, आप लोग डांस करने लग जाते थे नॉन स्टॉप. माने खाते वक्त आप लोग डांस कर रहे थे, आप लोग सिर्फ ओनली डांस कर रहे थे. ऐसा तो नहीं था, इतना नहीं, पर हम वैसे थोड़ा नाचते कूदते रहते हैं. बट ऐसा नहीं था कि शॉट खत्म हुआ, बात करते हुए भी आप लोग डांस करते रहते. हैं, चलते कूदते रहते हैं, इतना वैसा नहीं है, लेकिन कि शॉट कट हुआ, नाचो नाचो नाचो. But I love this, okay? Both of you have such great friendship and it shows. Ab mere saath bhi friendship ho gaya hai, I also know pretty girls, yeah. But B A R R E D.